हेलो एवरीवन आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बॉल पोएम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट <coughs> क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट सी आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम व्हाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनादर बॉल आपने देखा पोयम में जब बच्चे की बॉल चली जाती है बंदरगाह के अंदर तो पोएट ये कहते हैं कि मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि ठीक है हम तुमको दूसरी बॉल दे देंगे या पैसे दे देंगे तो ऐसा क्यों कहा आंसर इज द पोएट सेस यू बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस एंड द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या चीज़ बच्चे को वो सिखाना चाहता है इसके माध्यम से कि वो अपने नुकसान को सहन करना सीखे और दूसरा उसमें जो जिम्मेदारी की भावना है उसका वो सबक सीखे इसलिए वो उसे समझाना नहीं चाहता क्वेश्चन नंबर टू स्टायरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द where वेयर हिज went. डू यू थिंक द बॉय हेड हैज़ द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इट लिंक टू द memories ऑफ डे वैन ही प्लेड विद इट तो आपको क्या लगता है ये जो लाइन दी हुई है उससे आपको क्या ऐसा लगता है कि बच्चे के पास काफ़ी समय पहले से बाल थी और इससे क्या उसकी कोई मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आंसर ए यस द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम उसके पास बच्चे के पास ये बॉल काफ़ी लंबे समय से है वैन इट बाउंस इन टू द वॉटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ़ द डेज ऑफ चाइल्ड हुड फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब उसकी जो बाल है बाउंस होकर जब पानी के अंदर चली गई तो उसके साथ साथ उसके जो बचपन की यादें हैं वो सब उसके सामने आ गई क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन तो जैसे पोइट कहता है कि उसको इस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना चाहिए तो ये वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का मीनिंग क्या है आंसर है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स तो ये जो दुनिया है ये भौतिक चीज़ों से भरी हुई है तो उसको अपने सामान की भी देख करनी होगी ये उसे समझ में आए तो वर्ल्ड जो है जो दुनिया है वो भौतिक चीज़ों से भरी हुई है क्वेश्चन नंबर फोर डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर आपको क्या लगता है कि बच्चे ने इसके पहले भी कोई चीज़ खोई है तो आंसर है नो no. इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लास्ट एनीथिंग अर्लियर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने इसके पहले कोई चीज़ नहीं खोई है क्यों लग रहा है द वर्ड दैट सजेस्ट आर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन जब पोइट ये कहते हैं कि उसे इस भौतिकवादी दुनिया में अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होगा इसका मतलब है कि उसने इसके पहले कोई चीज़ नहीं खोई है क्वेश्चन नंबर फाइव What does the poet say the boy is learning from the loss of ball? Try to explain this in your own words. Poet ये uh, क्या कहते हैं कि बच्चा इस तरीके से जो loss of ball है उससे कुछ सीखेगा तो इसे बताइए answer है The poet says the boy will learn how to stand up and leave the losses. क्योंकि बच्चा इससे दोनों चीज़ें सीखेगा एक तो पहला ये कि वो अपने नुकसान को कैसे सहन करे और उसके बाद में वो उस नुकसान के बाद उससे उबरे? कैसे उभरे अपने आप को कैसे स्टैंड अप करें ठीक है इसके साथ ही हमने इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें टू मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टू मार्क के हिसाब से हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी ले लिए हैं पहला है व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय बच्चे को क्या हुआ आंसर है द बॉय वाज वेरी सेठ बिकॉज ही हैड लास्ट इज बॉल बच्चा बहुत दुखी था क्योंकि उसकी बाल खो गई थी क्वेश्चन नंबर टू विच वर्ड मीन्स हैप्पीली हैप्पीली के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर आंसर है मैरीली क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर डिड द बॉल गो बॉल कहाँ चली गई द बॉल वेंट इन टू द वाटर पानी के अंदर चली गई वॉट इज द बॉय लर्निंग आंसर इज द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस बच्चा क्या सीख रहा है लॉस को सहन करना या उससे समझौता करना सीख रहा है वट डू यू मीन बाय एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस नुकसान की प्रवृत्ति को समझना वेयर हैट द बॉयज बॉल गॉन कहाँ चली गई है उसकी बच्चे की बॉल तो द बॉयज बॉल हैट गॉन इंटू द डार्क वाटर ऑफ द हाबर तो आप देख लीजिए अगर एक नंबर का पूछते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री में भी सेम क्वेश्चन है तो आप पानी का लिख सकते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं कि डार्क वाटर ऑफ द हाब ठीक है तो ये हमने इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को भी साथ पे इंक्लूड कर लिया है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करूँगी साथ ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करते जाएंगे थैंक यू